अच्छा जी, तो ये हुई हमारी ईटी वाली बात। अब इसके बाद आता है जो सबसे बड़ा फ्रॉड होता है लोगों के साथ, वो क्या होता है कि पासपोर्ट भी आपका है, डॉक्यूमेंटेशन भी आपसे ले लिए जाते हैं, पासपोर्ट पे जो है वो स्टिकर भी लगा आ जाता है। अब वो स्टिकर जब आप लेकर एयरपोर्ट पे पहुंचते हो पासपोर्ट पे अपने सामान के साथ, तो वहां पे आपको जाके पता चलता है कि भाई ये जो स्टिकर है ये तो फेक है, मगर आपके हिसाब से वो जो है वो स्टिकर ओरिजिनल है। अब इस चीज का ये चीज कैसे करें? तो देखो, बहुत सारी जो एजेंसियां हैं या बहुत सारे जो फेक एजेंट हैं, वो क्या करते हैं कि उनके पास में बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं जिससे वो बिल्कुल हूबहू स्टिकर क्रिएट करते हैं आपके नाम पे, और आपके पासपोर्ट पे जो है उसको इजीली स्टैंप उसमें इजीली स्टिक कर देते हैं। तो फेक कनाडा स्टिकर जो वीजा होता है उसका पता जो है आपको एयरपोर्ट पे जाने के बाद पता लगता है, मगर ध्यान देने वाली बात यह है, अगर आपने अपना वीजा एजेंट के थ्रू लगाया है तो प्लीज अपने ट्रेवल से पहले उसको चेक करें कि ये ओरिजिनल है कि नहीं। आप कैनेडियन वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे अपनी डिटेल्स भरिए, और आप जब अपनी डिटेल्स डालेंगे तो वहाँ पे आपका पूरा का पूरा पासपोर्ट नंबर, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका स्टिकर यानी कि जो वीज़ा जिसको आप बोलते हैं वो कब से लेके कब तक वैलिड है, ये सब जो है आपको उसी के अंदर मिल जाएगा। सो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि इस तरह का भी एक फ्रॉड होने का चांस होता है। पीछे भी मेट्रो सिटीज़ में जो है पुलिस ने ऐसे कुछ गिरोहों को पकड़ा है जो कि फेक कनाडा स्टिकर क्रिएट करते थे और पासपोर्ट पे लगाते थे। तो फेक वर्क कैनेडियन स्टिकर वीज़ा जो है वो जो बहुत शातिर एजेंट होते हैं वो करते हैं ये काम, और उसके नाम पे आप लोगों से जो है 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 20 लाख, 30 लाख, जैसा जो एजेंट को लगता है कि कैंडिडेट पे कर सकता है उसको, तो वो जो है अपना पैसा दे के ये काम करा लेते हैं। So again, I am requesting to all of you, whenever you are planning to travel Canada, please go to the Canadian Embassy or go to the VFS Center to cross verify कि ये जो स्टिकर लगा है आपके पासपोर्ट पर ये ओरिजिनल है या फेक है। और इसमें आपको कोई घबराने वाली या डरने वाली बात नहीं है कि आप वहाँ पे जाओगे तो वो आपको पकड़ लेंगे कि किससे लगवाया, कहाँ से लगवाया, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट आप इन्फॉर्मेशन के लिए जा रहे हो क्रॉस चेक के लिए, तो वो आपको वहीं पे जो है वो बता देंगे। तो इस तरह से जो है आपको फेक स्टिकरिंग जो कैनेडियन वीज़ा होता है उससे अपने आप को सेफ रखना है, उससे अपने आप को बचाना है। तो दोस्तों, अब इसी का एक मैं अपग्रेड वर्जन आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ डुप्लीकेट स्टिकरिंग का। होता क्या है कि बहुत सारे लोग जो बड़े बड़े सपने सजो के रखते हैं कि उन्हें बाहर देश जाना है, डॉलर कमाने हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां चलानी हैं, ये करना है, वो करना है, जो कि आप लोग वीडियोस में देखते हो या टेलीविज़न में देखते हो या जो आपके फ्रेंड सर्कल से लोग गए हैं, कोई रिलेटिव गया है, वो आपको जैसा जैसा बताता है वैसा वैसा आप सच मान के जो है वो उसको सजोने लगते हो। तो इसमें एजेंट क्या करते हैं कि आपको कहीं भी वो थाईलैंड, बैंकॉक, सिंगापुर, मलेशिया, ऐसी जगहों पे जो है वो आपको जाने के लिए बोलते हैं कि आप इस जगह पे चले जाइए, आप जो है इंडोनेशिया चले जाइए, इंडोनेशिया से आपको जो है वो वर्क परमिट इजीली मिल जाएगा, वहाँ पे हमारे लोग हैं जो कि इस काम में बड़े माहिर हैं। तो वो क्या करते हैं, आपको यहाँ से इंडोनेशिया का टिकट कटा के आपके हाथ में पकड़ा देते हैं, आप इंडोनेशिया पहुँच जाते हो। इंडोनेशिया जाने के बाद में आपको एक अच्छा खासा होटल मिल जाता है जिसमें आप सुबह बफे लेते हो, शाम को अपना जो है ऐशो आराम करते हो, और फिर उसके बाद में जो है धीरे धीरे आपका वहाँ पे एक लाइफस्टाइल जो है वो जैसा आपको चाहिए वैसा माहौल आपको मिलने लगता है। हफ्ते भर के बाद में उनके लोग आपके पास पहुँचेंगे और उसके बाद में वो आपका वीज़ा जो है कैनेडियन एम्बेसी में अप्लाई कराएंगे। जब आप कैनेडियन एम्बेसी में वीज़ा के लिए जाओगे और वहाँ पे वो आपको बोलेंगे कि आप कुरियर सर्विस ले लीजिए, और कुरियर एड्रेस जो है, क्योंकि आप तो होटल में रहते हो आप वहाँ भी मंगा सकते हो, तो वो आपका होटल का एड्रेस डाल देते हैं, या कुछ एजेंट्स जिनकी बातों में आप जल्दी आ जाते हैं, आप यकीन कर लेते हैं कि हाँ भाई ये बंदा आया है मेरे पास में, उन्होंने भेजा है तो ये तो विश्वास पात्र है मेरा, और इसने मेरा जो है देखो कैनेडियन एम्बेसी में मेरे साथ आके मेरा जो है वीज़ा भी प्रोसेस करवाया है वर्क परमिट का, तो मैं इसी का एड्रेस दे देता हूँ कि ठीक है आप अपने एड्रेस पर इसको मंगा लेना। अब वो क्या करते हैं इस बीच में कि जैसे ही कुरियर उनके पास पहुँचता है, वो उस कुरियर जो भी हमारा एनवलप मिलता है जिसके अंदर हमारा पासपोर्ट होता है उसको बीच में से फाड़ देते हैं, उस एनवलप को टेम्पर करके आपका पासपोर्ट निकाल के और उस पे जो है वो डुप्लीकेट वीज़ा लगा देते हैं।
और एनवलप को वापस बंद करते हैं और आपके पास आते हैं बड़ी खुशी के साथ कि आपका ये आ गया है, इसको मेरे सामने खोलिए, देखते हैं क्या हुआ है। और जैसे आप उसको खोलते हो उसमें आपको स्टिकर मिलता है। और जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर ऐसा मेरे साथ होगा या आपके साथ भी होगा, हम बिल्कुल 100% उस पर बिलीव करेंगे कि हाँ भाई ये तो मेरा जेन्युइन लग के आया है। और तुरंत जो है हम अपने घर पे फ़ोन करते हैं इंडोनेशिया से कि भाई ये फलाना एजेंट है, इसने मेरा काम करा दिया है, पकड़ा दो इसको 10 लाख रुपए या 20 लाख रुपए, जितने भी आपकी सेटिंग हुई होती है वो उतने में आपका जो है मामला सेटल हो जाता है। जैसे ही आप उसको फिर से वही बैक टू स्क्वायर रूट वन अगेन, कि जैसे ही आप उसको पासपोर्ट को लेके पहुंचते हैं ट्रैवल करने के लिए, आपको पता चलता है कि ये तो फेक था। वापस जब आप इंडिया आते हैं तो इंडिया आपको पता चलता है कि भैया उस ऑफिस पे तो शटर जो है डाउन है, उस पे ताला लग गया है और एजेंट जो है वो अपना नंबर भी जो है वो बंद करके डिसअपीयर हो जाता है। तो दोस्तों देखो, इस तरह का अगर कोई भी आपको एक मीठा सपना सजोता है आपका कि आप बाहर जाइए, इंडोनेशिया से, दुबई से आपका हम लोग वीज़ा लगवाएंगे, वहाँ से बड़ा ईजी है वर्क परमिट मिलना, तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा जाल है। क्योंकि आप खुद से सोचिए, आप जिस कंट्री के हो वहाँ पे भी तो कैनेडियन एम्बेसी है। अगर आपके प्रोफाइल में सच में ही दम है तो आपको तो वर्क परमिट अपने देश से ही मिल जाना है, उसके लिए आपको किसी दूसरे देश में जाने की क्या ज़रूरत है। आप खुद से सोचिए कि आपका यहाँ पे घर है, आपने कुछ काम किया है, उसका एक्सपीरियंस है, आपकी फैमिली है, आपकी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं जो कि आपको आपके प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। दूसरी कंट्री में आप टूरिस्ट हो, वहाँ से जाके आप वर्क परमिट लेने की कोशिश कर रहे हो किसी और कंट्री का, तो दोस्तों वहाँ पे ना तो आपका कोई अस्तित्व है, ना ही आपकी कोई आइडेंटिटी है, और ना ही वहाँ पे आपके पास में कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप ये प्रूव कर सको कि मेरे पास में तो ये स्ट्रॉन्ग स्किल है जिसके लिए मुझे वहाँ पे माइग्रेट होना है। तो लोग तो दोनों जगह सेम ही बैठे हैं, प्रोसेस भी ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम है, तो खुद से सोचिए कि बाहर जाके ऐसा क्या होगा जो मेरा खुद से मेरे देश में नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ये ऐसा कुछ नहीं है कि DPS के बच्चों का पेपर है टीचर के पास में एग्जाम के लिए चेक होने के लिए आया तो वो सबको 100 देंगे क्योंकि ये DPS से आया है, या ये गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं तो इनको हमें पास नहीं करना, इनको फेल ही करना है। तो ये उस तरह के मिथ्स नहीं हैं, उस तरह के ये ट्रुथ नहीं है कि भाई ये इंडिया का है, इंडोनेशिया से कर रहा है तो इसको यहाँ से मिलना ही मिलना है 100%, क्योंकि ये इंडिया का है और इंडोनेशिया से आके इसने अप्लाई किया तो इसको दे दो, ऐसा नहीं है। इंडिया वाले के प्रोफाइल में अगर दम होगा तो उसको ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं से भी मिल जाएगा, और जितना आसान अपनी जन्मभूमि से वीज़ा मिलना है आसान, उतना आसान कहीं किसी दूसरे देश की भूमि से मिलना नहीं होता है। इसमें ना तो आपका कोई क्राइटेरिया चेंज होता है, ना ही आपका कोई प्लस पॉइंट होता है, तो बेस्ट है हमेशा अपनी होम कंट्री से ही वीज़ा के लिए अप्लाई करें। दूसरी कंट्रीज़ में जाके वीज़ा अप्लाई करोगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम होता है। दूसरी कंट्रीज़ में आपके लिए सबसे बेस्ट ये होता है जहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल है वहाँ पे आप कर सकते हो टूरिज़्म के लिए, या कहीं किसी कंट्री से किसी चेक पॉइंट से आप होके निकल रहे हो जहाँ के लिए गवर्नमेंट ने, जैसे US है या जैसे UK है, वहाँ के जो इमिग्रेंट्स हैं वो बोलते हैं कि भाई आपको यहाँ के लिए ट्रांजिट वीज़ा चाहिए, भले ही आप 4 घंटे रुक रहे हो, भले ही 1 घंटा रुक रहे हो, वहाँ के लिए आपको ट्रांजिट वीज़े की ज़रूरत है। तो उन केसेस में जो है ये पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, बट सिर्फ टूरिज़्म के लिए और वो भी ट्रांजिट वीज़ा के लिए। ट्रांजिट वीज़ा क्या होता है ये आज की डेट में हर कोई जानता है। सो दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो वीज़ा आपको अपनी कंट्री से मिल सकता है, आपके हाई प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल से मिल सकता है, वो आपको दूसरी कंट्री से जाके कभी नहीं मिलता है।